लालची लेनदार। एक दिन राज्य में रहने वाली फौजिया नाम की बुजुर्ग एवं अकेली महिला को हज पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने सारे गहनों को 1000 मोहरे के दाम पर बेच दिया। बहुत खूब, आखिरकार जिंदगी भर की मेहनत काम आई। फिर उस बुजुर्ग महिला ने उन 1000 मोहरों में से 250 हज यात्रा के लिए अपने पास रखे और बाकी के 750 मोहरों को एक कपड़े की छोटी पोटली में डालकर उसे अच्छे से धागे से सी दिया और उस पर एक मुहर लगा दी। और फिर वो उस पोटली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले लाला लेनदार के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, इसलिए कृपा होगी अगर आप मेरी इस जिंदगी भर की कमाई को कुछ वक्त के लिए अपने पास सुरक्षित रहने दो। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूंगी। अरे क्यों नहीं, परंतु क्या है इसमें? इसमें पूरे 750 सोने के मोहरे हैं। ये सुन तो लाला लेनदार की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मदद करने की ठान ली। ये देख फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई, परंतु उसे ये नहीं पता था कि लाला के मन में अब लालच आ चुकी थी। और फिर कई महीनों बाद फौजिया हज यात्रा से लौटी और लाला के पास जाकर अपने मोहरे की पोटली मांगी। लाला ने तुरंत तिजोरी से उस पोटली को निकालकर फौजिया को सौंप दी। महिला ने देखा कि पोटली अभी भी सिली हुई है और उस पर लगा मोहर भी वैसा का वैसा ही है जैसे वो हज यात्रा से पहले था। उसने लाला का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। परंतु घर पहुंचकर जब उसने पोटली खोली तो दंग रह गई। पोटली में तो सोने के मोहरों की जगह लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। वक्त जाया ना कर वो तुरंत लाला लेनदार के पास पहुंची और क्रोधित हो बोली, लाला, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। इसमें बंद सोने के मोहरे कहाँ गए? ये क्या कह रहे हो तुम? हमको क्या पता इस पोटली में क्या था? जिस हाल में तुम पोटली दे गए थे वैसे ही हमने वापस कर दी। देखो मुहर भी ठीक वैसा ही है। एक तो तुम्हारी मदद की, ऊपर से इन लोहे के सिक्कों के लिए तुम हम पर घिनौना इल्जाम लगा रही हो। छे 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 धुत। फौजिया समझ गई कि लाला की नियत में खोट है, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और वहाँ से निकल गई। फिर वो सीधा बादशाह अकबर के दरबार में आ पहुँची और न्याय की गुहार करने लगी। ये मामला तो बेहद पेचीदा है। अगर सिलाई टूटी नहीं, मोहर निकला नहीं, तो फिर इसमें से सोने के मोहरे कैसे गायब हो सकते हैं? बीरबल, अब सिर्फ तुम ही इस समस्या के धागों को खोल सकते हो। देखो कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिर बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस पोटली में मोहरे थे, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ हुजूर, मैंने अपने सभी मोहरों पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। फिर फौजिया ने अपने बचे कुचे मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, ये देखे हुजूर, ये चिन्ह इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता चलता है, और ठीक ऐसे ही चिन्ह मैंने सभी मोहरों पर लगाए हुए थे ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वाह, आपकी अकलमंदी की तो दाद देनी होगी। इससे हमें गुत्थी सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। अब आप ये बचे हुए सिक्के और खुली हुई पोटली मेरे पास दीजिए। उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। फौजिया पोटली बीरबल को सौंप वहाँ से चली गई। फिर बीरबल ने ठीक वैसे ही कुछ और पोटलियाँ मंगाकर उनमें एक छेद कर दिया और फिर उन पोटलियों को एक एक कर नगर के प्रसिद्ध दर्जियों के यहाँ रफू करवाने भेज दिया। जब सभी पोटलियाँ रफू होकर वापस आई
तो उनमें से एक पोटली ऐसी थी कि जरा भी पता नहीं चल रहा था कि उसमें कभी कोई छेद था। ये काम कमाल का है, इस दर्जी से तो मिलना पड़ेगा। जैसे ही दर्जी दरबार पहुंचा, बीरबल ने उसे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वो टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा, तो उस दर्जी ने लाला लेनदार की पोटली में रफू करना स्वीकार लिया। ठीक है, अब ये बताओ, जब लाला ने तुमसे पोटली रफू करवाई तो उसमें क्या था? हुजूर, उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी? जी हुजूर, लाला ने पूरे 5 सोने की मोहरे दी और कहा कि ये बात किसी को पता ना चले। अब वो मोहरे कहाँ है? हुजूर, 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अभी भी मेरे बटवे में है। दर्जी ने दोनों मोहरे सौंपे, जिसे बीरबल ने गौर से देखा तो पाया फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह उन पर मौजूद थे। सैनिकों, तुरंत ही लाला और फौजिया को हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद फौजिया और लाला हाजिर हुए और दर्जी को वहाँ देखकर लाला घबरा गया। उसकी ये घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या इसी लेनदार ने तुमसे यहाँ पोटली रफू करवाई थी? जी 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 जी, जी हाँ हुजूर। बहुत खूब, तो लाला अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पर लाला अब क्या कहता, वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसने अपनी गलती स्वीकार ली, जिसके बाद उसे फौजिया को 3 गुना मोहरे जुर्माने के तौर पर देने पड़े। कहते हैं अपराधी हमेशा निशान छोड़ जाता है, परंतु इस बार तो पीड़ित ने ही निशान छोड़ इस जुर्म को सुलझा दिया। तुम कहो तो हम फौजिया को तुम्हारी जगह नौकरी पर रख ले। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।